हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसे पारदर्शी जीवों के नाम जिनका शरीर पूरी तरह से पारदर्शी होता है। जब ये जीव कुछ भोजन करते हैं तो यह भोजन इनके शरीर में कैसे आगे बढ़ता है और कैसे पचता है, सारे अंगों की क्रियाविधि हमें बाहर से साफ साफ दिखाई दे जाती है। तो ऐसे जानवरों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इनका पारदर्शी होना इस बात को दर्शाता है कि ये प्रकृति में अच्छी तरह से छिप सकते हैं। ये प्रकृति में इसलिए छिपते हैं क्योंकि बड़े बड़े शिकारी इन जीवों को आसानी से शिकार कर सकते हैं, तो उनके शिकार से बचने के लिए प्रकृति में छिपने के लिए पारदर्शी होते हैं। और जिस जगह पर ये छिपते हैं उनका शरीर बिल्कुल वैसा ही रंग ले लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लास फ्रॉग। ग्लास फ्रॉग सेंट्रोलाइनिडे परिवार का उभयचर प्राणी होता है। इनका रंग हल्का हरा होता है। इनके पेट की त्वचा पारदर्शी होती है, जिनमें होकर हार्ट, लीवर, बाल ग्लाइडर, आंते आदि सभी आंतरिक अंग साफ साफ दिखाई देते हैं। इसलिए इसे ग्लास फ्रॉग कहा जाता है। ये कांच की तरह दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर 3 से 7.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं तथा ये मेंढक ज़्यादातर पेड़ों पर रहते हैं। पत्तियों के बीच भरे हुए पानी में मादा मेंढक अंडे देते हैं तथा नदियां झरनों के पास पत्थरों पर भी ये अंडे देते हैं। ये मेंढक मध्य अमेरिकी में खासकर पनामा, कोस्टा रिका आदि में पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत प्रजातियां दक्षिण अमेरिका में भी पाई जाती हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है सी एंजल। समुद्र में फ्रीली तैरने वाले जीवों में से एक है सी एंजल। यह समुद्री स्लग परिवार का एक सदस्य है। इसे समुद्री तितली के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ओखोटस्क सागर में 200 मीटर की गहराई में रहते हैं। अपने फिन्स को हिलाकर 0.22 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे गति कर सकते हैं। सी एंजल्स उभयलिंगी होते हैं। ये खुले जल में अंडे देते हैं, जिनमें से अपने आप कुछ दिनों में बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आती है ग्लास विंग बटरफ्लाई। ग्रेटा ऑटो ब्रश फुटेड तितली की एक प्रजाति है। इसे अपने पारदर्शी पंखों के कारण ग्लास विंग तितली के नाम से जाना जाता है। इसके पारदर्शी पंख इसे फूलों व पत्तियों के बीच छिपने में मददगार होते हैं। यह तितली दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्य रूप से टेक्सास तथा चिली देशों में इसे देखा जा सकता है। यह तितली अपने वजन से 40 गुना ज़्यादा वजन उठाने में सक्षम होती है। ये तितलियाँ अपने अंडे सीधे पत्तों पर रख देती है तथा इसका कैटरपिलर का शरीर हरा होता है। शरीर पर चमकीले बैंगनी और लाल रंग की धारियां होती हैं। प्यूपा चांदी के रंग का होता है। वयस्क ग्लास विंग बटरफ्लाई के पंखों के किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसकी लंबाई 2.8 से 3 सेंटीमीटर की होती है तथा पंखों का फैलाव 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। सेस्टम प्रजाति के फूलों पर ये तितली पोषण के लिए निर्भर रहती है। ये 8 से 12 मील प्रति घंटे की चाल से उड़ सकती है। पक्षी इस तितली के मुख्य शिकारी होते हैं। चौथे नंबर पर आता है हमारा घोस्ट श्रिम्प। घोस्ट श्रिम्प दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। ये मीठे पानी की झींगा मछलियों की एक प्रजाति है। इन्हें आजकल एक्वेरियम में भी लोग रखते हैं। यह 1 इंच लंबा तथा काफ़ी हद तक पारदर्शी होता है। यह टेक्सास तथा कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। ये ताज़े पानी या तथा थोड़े खारे पानी में पाए जाते हैं। दिन में यह पत्तों के बीच छिपा रहता है तथा रात को शिकार करता है। पक्षी और मछलियां इसे भोजन के रूप में पसंद करते हैं। इस प्रजाति के नर झींगा के साथ बहुत सारी मादा झींगाएँ पत्नियों के रूप में रहती हैं। मतलब एक नर बहुत सारी पत्नियाँ रख सकता है। एक मादा झींगा एक बार में 85 तक अंडे देती है। ये शैवाल तथा जलीय जीवों को खाते हैं। पांचवा नंबर आता है नाभिब सैंड गेको। नाभिब सैंड गेको छोटी छिपकली की एक प्रजाति है। यह अंगोल, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। यह रात्रि में भोजन के लिए निकलता है तथा दिन में लगभग 1 मीटर गहरे बिल में रहता है। दीमक, चींटियाँ, भृंग, टिड्डे और मकड़ियाँ इसके भोजन में शामिल होती है। यह हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। केवल मिलन के समय ही दूसरी गेको से मिलते हैं। यह संभोग के दौरान अपने साथियों को कसकर पकड़ लेते हैं। यह अप्रैल से मई के महीने तक अंडे देती हैं। इन अंडों में से बच्चे बनने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान की ज़रूरत होती है। इनके बच्चे 4 इंच के होते हैं, जो 4 दिनों में भोजन करने के लिए अपने आप
तैयार हो जाते हैं। सैंड गेको काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, इस कारण कुछ लोग इन्हें अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर पिंजरों में भी रखते हैं। जंगल में ये लगभग 5 साल तक जीवित रहते हैं और पालतू जानवर के रूप में यह लगभग 6 से 7 साल तक जीवित रहते हैं। छठा नंबर आता है इंडियन ग्लासी फिश, इसे एक्सरे फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह मीठे पानी की मछलियों की एक प्रजाति है। भारत के अलावा यह पाकिस्तान, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश तथा दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका शरीर पारदर्शी होता है जिसके कारण इसकी सारी हड्डियां दिखाई देती हैं। इसकी लंबाई अधिकतम 80 mm या 3 इंच होती है। यह रुके हुए पानी में पाई जाती है तथा बरसात के मौसम में प्रजनन करती है। छोटे कीड़े इसका भोजन होता है, बड़ी मछलियां इसकी शिकारी होती है। इसे लोग एक्वेरियम में शौक से रखते हैं, लेकिन शौकीन लोग रंगीन इंजेक्शन लगाकर इसे विभिन्न रंग प्रदान कर देते हैं ताकि महंगी बिके। यह रंग मछली के गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे 30 दिनों में इसकी मौत हो जाती है। बिना रंगे ये मछलियाँ 3 से 4 साल तक आसानी से जीवित रहती है। सातवां नंबर आता है बैरलेज, यह एक स्पूक मछली के नाम से जानी जाती है। यह अटलांटिक प्रशांत और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण जल में पाई जाती है। इसका आकार बैरल की तरह होता है, इसके कारण इसका नाम बैरलेज पड़ा है। यह मछली अपनी आंखों को घुमाने में सक्षम होती है। यह 500 से 2500 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इस प्रकार की मछली अंडे और शुक्राणु सीधे पानी में छोड़ती है जो आपस में मिलकर बच्चे बनते हैं। आठवां नंबर आता है गोल्डन टॉर्टोइज बीटल, गोबरेला की प्रजाति में यह कीड़ा लाल भूरे रंग का होता है तथा अपने शरीर में से निकलने वाले बदबूदार पदार्थ को अपने शरीर के चारों ओर चिपका कर रखता है। यह पदार्थ पारदर्शी होता है जो इसके आकार को बड़ा कर देता है। यह कीड़ा पूर्वी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसकी लंबाई 5 से 7 mm तक होती है। यह एक बार में 20 अंडे देता है जिनमें से 40 दिन में लार्वा निकलने लगता है। नवे नंबर पर आता है डेफनिया, डेफनिया छोटे प्लैंकटन क्रस्टेशियस का एक वंश है। इसकी लंबाई 0.2 से 6 mm तक होती है। इसे खारे पानी का पिस्सू भी कहा जाता है। डेफनिया सभी प्रकार की झीलों व तालाबों में पाया जाता है। इनके 10 से 12 पैर होते हैं। इसके शरीर में धड़कते हुए दिल को आसानी से देखा जा सकता है। इसका जीवन काल 13 से 14 महीने का होता है। लास्ट 10वें नंबर पे आता है ग्लास ईल, केचवे के जैसे दिखाई देने वाली यह ईल मछली पूरी तरह पारदर्शी होती है। इनमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। यह पारदर्शी होने के कारण केवल इसकी रीढ़ की हड्डी ही दिखाई देती है। इसके लार्वा की लंबाई बड़ी उंगली के बराबर होती है। ये झुंड में रहना पसंद करती हैं। बरसात के दिनों में ताजे पानी की ओर आकर्षित होते हैं जिसके कारण ये नदियों के द्वारा झीलों या तालाबों में पहुंच जाती है, वहाँ प्रजनन करती हैं। इनकी लंबाई 2 से 3 फीट तक होती है। इन्हें चीन, हांगकांग, ताइवान जैसे देशों में एक्वेरियम में रखते हैं। जापान में इस मछली को प्रतिवर्ष 1,00,000 टन तक खाया जाता है। तो ये थे 10 ऐसे जानवर जो पूरी तरह पारदर्शी होते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।